आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 27वें अध्याय अटैक बाय चंड वेग ऑन द सिटी ऑफ किंग पुरंदर द कैरेक्टर ऑफ कालकन्या पर चर्चा करने वाले हैं। हमने पिछले 26वें अध्याय में देखा किस प्रकार से पुरंजन, जो कि एक रूपक कथा है राजा प्राचीनी बरही की, जो नारद मुनि उन्हें खुद बता रहे हैं, जहां पर पुरंजन भोग के लिए पंचप्रस्थ नामक जंगल में जाते हैं, विच बेसिकली मीन्स अ पर्सन एंजॉयिंग शब्द रूप रस गंध और स्पर्श। ऐसे में उसकी जो सही मेधा है इस भोग विलासिता से उससे बहुत ज्यादा रूठ जाती है और अल्टीमेटली एक जीव सही चेतना को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे पड़ता है। तो यहां तक हमने देखा, अब हम देखेंगे कि किस प्रकार पुरंजन के इस राज्य पर, तो राज्य क्या है, ये शरीर हमने देखा है, पुर यानी शरीर, जन यानी रहने वाला, सो पुरंजन यानी शरीर में रहने वाला आत्मा, और रह का रहा है शरीर में, तो इस शरीर पर चंड वेग याने चंड प्रचंड महाभयंकर, जिसको हम रोक नहीं सकते, वेग याने फोर्स, सो दैट फोर्स विच कैनॉट बी स्टॉप्ड, व्हाट इज दैट फोर्स दैट कैनॉट बी स्टॉप्ड, इट इज टाइम। तो हरेक व्यक्ति अपने जीवन में सोचता है कि मेरा तो कुछ नहीं होगा, मेरा नंबर नहीं आएगा, लेकिन काल उसे अपने मुख में धीरे 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 ग्रसित कर रहा है। तो एक जीव इस शरीर में रहकर भोग विलासिता की अनंत इच्छाओं के प्रति बड़े पुल बनाता है, लेकिन चंड वेग यानी काल, समवन हु हैज ग्रेट फोर्स, चंड वेग मींस ग्रेट फोर्स, सो दैट ग्रेट फोर्स इज द फोर्स ऑफ टाइम, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। तो ये जब समय आक्रमण करता है इस शरीर पर, तो आगे क्या होता है ये कथानक हम इस पूरे अध्याय में देखेंगे। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साङ्ग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सानुधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक एक। नारद उवाच इत्थं पुरं जनं साध्य वशमानीय विभ्रमैः पुरंजनि महाराज रेमे रमयति पतिम। द ग्रेट सेज नारद कंटिन्यूड, माय डियर किंग, आफ्टर द बिविल्डरमेंट, आफ्टर बिविल्डरिंग हर हस्बैंड इन डिफरेंट वेज एंड ब्रिंगिंग हिम अंडर हर कंट्रोल, द वाइफ ऑफ किंग पुरंजन गेव हिम ऑल सैटिस्फैक्शन एंड एंजॉयड सेक्स लाइफ विद हिम।
तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि हमने देखा किस प्रकार से पुरंजन ये इंद्रिय भोग विलासिता के लिए शब्द रूप रस गंध स्पर्श के जंगल में गए और वहां पर अनंत भोग प्राप्त करने के बाद जब वो वापस आएंगे तो उनकी सही मेधा ने उनको ठक ठकाया कि अरे आप ये क्या कर रहे हो। और उनकी सही मेधा जब क्रोधित हो करके जब कोप भवन में चली गई थी तो पुरंजन महाराज को बहुत बुरा लगा। पुरंजन महाराज ने अपनी उस मेधा को, अपनी उस बुद्धि को, अच्छी बुद्धि को सराहने का, उसे पुचकारने का, प्यार करने का बहुत प्रयास किया। और इस प्रकार से जब उस अच्छी मेधा को अटेंशन मिला, सो प्रभुपाद जी यहां कहते हैं कि द एंटायर सेंस ऑफ गृहस्थ लाइफ इज हाउ अ हस्बैंड एंड वाइफ स्टे टुगेदर। सो द बेस्ट पॉलिसी ऑफ गृहस्थ आश्रम इज दैट अ वाइफ शुड ऑलवेज बी चेस्ट टू हस्बैंड एंड द हस्बैंड शुड ऑलवेज बी साधु। स्त्री ने अपने पति को हर तरीके से सेवा करने का और उनको लुभाने का प्रयास करना चाहिए और पुरुष ने वैदिक वाङ्मय का कठोरता से पालन करना चाहिए। दैट गेट्स द परफेक्ट वे ऑफ गोइंग अहेड। सो हम देखते हैं कि एक स्त्री और एक पुरुष जब तक भोग विलासिता के जीवन के प्रति आकर्षित होकर नहीं जीते वो बहुत अच्छे से अपने जीवन को यापन कर सकते हैं। जहां पर शारीरिक सुख के प्रति अत्यंत ज्यादा कष्ट दिया जा रहा है या उसे बहुत ज्यादा प्राधान्य दिया जा रहा है जीवन में, तो वहां पर एक व्यक्ति या एक दंपति अपने आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग को खो देंगे। सो हम देखते हैं आचार्यगण हमें बहुत सुंदर रूप से बताते हैं, असत्संग त्याग एई वैष्णव आचार। असत संग, सत मीन्स इटर्नल, असत मीन्स टेम्पररी। सो एवरीथिंग दैट इज कमिंग विद बॉडी इज टेम्पररी। सो नॉट बीइंग टू मच अटैच्ड टू एनी एंड एवरी सेंस ग्रेटिफिकेशन दैट एनीवेज कम्स विद द बॉडी इज व्हाट इज कॉल्ड एज असत संग त्याग। So opposite or attraction to the opposite sex, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, और ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार का भोग विलासता से आकर्षित है। So what does असत संग mean? असत संग means basically no illicit sex, no sex outside marriage, and keeping away from people who are too much attached to opposite sex. ये क्या करता है? ये एक जीवन के आध्यात्मिक गति को बहुत सुंदर रूप से गतिमान लगता है। सो हम देखते हैं कि गृहस्थ जीवन में स्त्री और पुरुष के बीच में हमेशा कंपटीशन रहती है, कौन किसे कंट्रोल करेगा। सो स्त्री अपने सुंदरता से, अपनी अदाओं से, अपने शरीर से पति को लुभाने का प्रयास करती है और पति को चाहिए कि वो वैदिक जीवन का कठोरता से पालन करते हुए अपने भगवत शक्तिमय जीवन में पूरी तरह से संलग्न रहे। पुरुष सत्व गुण में आ सकता है, स्त्रियां प्रायः रज और तम में होती हैं। तो अगर एक पुरुष स्त्री से अत्यंत ज्यादा आकर्षित हो जाए तो वो अपना सत्व छोड़ करके रजस और तमस में चला जाएगा। Whereas, अगर एक स्त्री अपने अच्छे साधु पति से आकर्षित होती है तो वो अपना रजस और तमस छोड़ करके पति के समान सत्व में आ जाएगी। सो लाइफ शुड ऑलवेज बी सीन एज अ रिलेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। अगर हम जीवन में हम क्यों भोग प्राप्त कर रहे हैं, जीवन में क्यों कठिनाइयां आ रही हैं, भगवान कौन है, मैं कौन हूं, भगवान का मुझसे संबंध क्या है, ये सब अगर हम सही में तात्विक रीतिया देखेंगे, तात्विक दृष्टि पर चर्चा करेंगे, we will see everything is very scientific.
सब कुछ अत्यंत ही ज्यादा वैज्ञानिक है, जीवन वैज्ञानिक है, जीवन इज बेस्ड ऑन साइंस, बट दैट साइंस टीचेस अस थ्री थिंग्स, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज स्पिरिट एंड हु इज द कंट्रोलर ऑफ बोथ. सो वैदिक साइंस हमें तीन ही चीजों के बारे में बताता है, भौतिक जगत क्या है, आत्मा क्या है, और इन दोनों के परम नियंत्रक भगवान कौन है. सिंपल. सो हम देखते हैं कि अगर एक वैवाहिक जीवन में केवल एक दूसरे के शरीर के प्रति ही रस है, तो ऐसा जीवन उस दंपति को अधोगति की तरफ लेके जाएगा. लेकिन अगर दोनों मिलकर के भगवान की सेवा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे दाम्पत्य से अच्छा और कुछ नहीं. दैट इज द बेस्ट दैट कैन हैपन. तो प्रभुपाद जी कहते हैं, द कंक्लूजन इज दैट हाउसहोल्ड लाइफ इज बेटर देन अ सिंपल लाइफ डिवाइड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. हर जगह पे मुंह मारते फिरने से अच्छा है कि गृहस्थ जीवन में एंट्री कीजिए. बट इफ इन द हाउस होल्ड लाइफ द हस्बैंड बिकम्स सबॉर्डिनेट टू द वाइफ, इन्वॉल्व्ड इन मटेरियलिस्टिक लाइफ अगेन बिकम्स प्रोमिनेंट. तो अगर वो स्त्री प्रधान घर है तो इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन. सो ये प्रभुपाद जी यहां पर कहते हैं. श्लोक क्रमांक 2. सराजा महिषिं राजन् सुस्नातां रुचिराननां कृतस्वस्त्ययनां तृप्त्या अभ्यनन्द दुपागतां. The queen took her bath and dressed herself nicely with all auspicious garments and ornaments. After taking food and becoming completely satisfied, she returned to the king. Upon seeing her beautifully decorated, attractive face, the king welcomed her with all devotion. So, हम देखते हैं कि अगर एक पुरुष अपनी पत्नी को अच्छे सुंदर आभूषणों और अच्छे कपड़ों में प्राप्त देखता है, तो नेचुरली उसके प्रति उस व्यक्ति के मन में इच्छा जागृत होती है. एंड दिस इज द वे लेडीज ऑलवेज कीप हस्बैंड्स हैप्पी. पूरे दिन भर थका हारा व्यक्ति वापस आता है, तो कम से कम पत्नी का कर्तव्य है कि उसने अच्छे से सज धज के पति का वेलकमिंग करना चाहिए. ऑफ कोर्स पति ने भी साधु होना चाहिए, तब ये सब लागू है. इसे इस प्रकार से कभी नहीं देखा जाना चाहिए कि अरे स्त्रियों के लिए सब कुछ है, पुरुषों के लिए नहीं. ऐसा नहीं है. स्त्रियों के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है. सो एसेंस इज दैट अ वुमन व्हेन ड्रेस्ड नाइसली लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, एंड दैट इज हाउ हस्बैंड्स शुड ऑलवेज सी वन्स वाइफ, एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ वाइफ टू सर्व द हस्बैंड इन दैट वे. श्लोक क्रमांक 3. तयोपगूढ़ परिरब्ध कंधरो रहो नुमंत्रैरपकृष्ट चेतनः नकालरं हो बुबुधे दुरुत्ययम् दिवा निशेति प्रमदा परिग्रह. क्वीन पुरंजनी एम्ब्रेस्ड द किंग एंड किंग आल्सो रेस्पॉन्डेड बाय एम्ब्रेसिंग हर शोल्डर्स. In that way, in a solitary place, they enjoyed joking words. Thus, King Purunjana became very much captivated by his beautiful wife and deviated from his good sense. He forgot that the passing of days and nights meant that his life span was being reduced without profit. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पुरंजन को किस प्रकार बताया गया है. पुरंजन इस प्रमदा. प्रमदा मद मीन्स इंटॉक्सिकेशन. प्रमद प्रत्यक्ष रूपेण मद, वन हु इज विजिबली इंटॉक्सिकेटेड.
So someone who is too much attracted to bodily pleasures, he is really visibly intoxicated by material life. ऐसे व्यक्ति को भगवत मार्ग में आना, तपस्या करना, डेडिकेशन दिखाना अत्यंत मुश्किल है, क्योंकि उस प्रकार के संस्कार बने ही नहीं है उस व्यक्ति के ऊपर। क्योंकि जीवन संस्कारों की एक लड़ी है। जैसे संस्कार हम बचपन से बच्चों को देंगे, वैसे ही चीजें वो भी बड़े होते देख करके अप्लाई करेंगे। सिंपल इट इज। जो मुझे जैसे मिल रहा है मैं वहां से एडवांसमेंट करूंगा, करेक्ट और नो? फिर से जहां पर थे उससे पहले से शुरू करके जहां पे थे वहीं पर आगे, अरे नहीं, जहां थे वहां से शुरू करो और आगे चलो। सो क्वीन पुरंजनी एम्ब्रेस द किंग एंड द किंग आल्सो रिस्पॉन्डेड बाय एम्ब्रेसिंग हर शोल्डर्स। तो दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन किया और इस आलिंगन में राजा पुरंजन और पुरंजनी दोनों भूल गए कि एक्चुअली क्या है, दिवस और रात्रि चले जा रहे हैं। So, जैसे ही दिन रात जा रहे हैं, हमारे इस भौतिक जीवन की कड़ी क्या हो रही है, धीरे 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 बंद होती जा रही है। तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? आर वी रेडी टू गिव अप आवर लाइव्स टुडे? सो एक व्यक्ति का जो बल है वो कहां पर है? वो भगवत भक्ति में है, भगवत चेतना में है। इट इज नेवर इन अनरिस्ट्रिक्टेड एंजॉयमेंट और अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। सो इसीलिए हम देखते हैं जो भी बहुत ज्यादा परिवार 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 से जुड़े हुए हैं वो भक्ति के सही मार्ग को अप्लाई नहीं कर पाते। श्लोक क्रमांक 4। शयान उन्नधमटो महामना महारहतल्बे महिषी भुजोपधि तामेव वीरो मनुते परम यत् स्तंभो निभूतो न जनम परम च यत्। इन दिस वे इंक्रीजिंगली ओवरवेल्म्ड बाय इल्यूजन किंग पुरंजन ऑल्दो एडवांस्ड इन कॉन्शियसनेस remained always lying down with his head on the pillow of his wife's arms. In this way, he considered woman to be his ultimate life and soul. Becoming thus overwhelmed by the mode of ignorance, he could not understand the meaning of self-realization, of his self or of the Supreme Personality of Godhead. So, एक व्यक्ति जिस प्रकार से भोग विलासिता से इतना ज्यादा आसक्त होता है, उसी प्रकार से जीव जब भक्ति मार्ग करेगा तो उस समय भक्ति मार्ग छोड़ करके कुछ और चीज भी मेरे दिमाग में चल रहा है। विल दैट बी? नहीं। सो अगर हम देखेंगे कि jiva becomes more and more illusioned with bodily concept of life. Basically, problem kya hai? Problem is hum har jagah pe jati dharma aur jat pat dekhte hain. So increasingly overwhelmed by illusion, King Puranjana, although advanced in consciousness, remained always lying down with his head on the pillow of his अपनी उस पत्नी के हाथों पर तकिए को तकिया समझ करके पुरंजन महाराज सो गए। सो इन दिस वे ही कंसिडर्ड वुमन टू बी हिज अल्टीमेट लाइफ एंड सोल। वो सोचने लगे, अरे यही तो व्यक्ति है जो मुझे लेकर गए थे। सो ओवरवेल्म्ड बाय मोड ऑफ इग्नोरेंस, one cannot understand the meaning of self-realization or his self or of the Supreme Personality of Godhead.
तो अपने आप को नहीं समझ सकते, किसी और को नहीं समझ सकते, भगवान को कहां से समझेंगे? इज इट सो इजी भगवान को समझना? भगवान कहते हैं 15वें अध्याय में, ममय वंशा जीवलोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करिष्यति। सो भगवान कहते हैं सारे जीव मेरा ही अंश है। We all have that constant। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, ये समस्याएं बढ़ती जाएंगी। जैसे समय बढ़ता जाएगा समस्याएं बढ़ती ही जाएंगी, वो कम नहीं होने वाली। श्लोक क्रमांक 5, तयैव रममाणस्य काम कश्मल चेतस क्षणार्ध विम राजेन्द्र परिक्रांतम वयम नवम वयः। My dear King Prajanivarhi, in that way, King Puranjana, with his heart full of lusty and sinful reactions, began to enjoy sex with his wife. And in this way, his new life and your youth expired in half a moment. So, my dear King, in this way, with his heart full of lust and sinful reactions, began to enjoy sex with his wife. तो उस पत्नी को उसने साथ लिया, अच्छी पत्नी को, और उस अच्छी पत्नी को वो सराह रहा है, उनसे वो भोग ले रहा है जो हमने अभी रिकॉर्ड किया है। सो प्रभुपाद जी यहाँ कोट करते हैं गोविंद दास, एक बहुत ही महान वैष्णव के एक भजन को, ये धन यौवन ए धन यौवन पुत्र परिजन एते के आछे परती तीरे कमल दल जल जीवन टलमल भजो हूं हरि पद नीति रे। सो जब तक भगवान के चरण कमलों में आश्रय नहीं आएगा, जब तक पाप करने की इच्छा पूरी तरह से नहीं नष्ट हो जाती, साधना करते रहना है। सो दैट इज व्हाई वी सी that to lose one's consciousness is so very easy, but to gain it back, it is really tough. तो पुरंजन महाराज की वो पत्नी उनको छोड़ करके चली गई है, उनको मनाना पड़ेगा आगे जाकर, लेकिन वो रहते ही नहीं है। तो उस समय माद्री आती है और माद्री कहती है कि आपके 3 पुत्र हैं, मैं जाती हूं। So, My dear King Prachini Barishat, in this way, the heart, with his heart full of lust and sinful reactions, began to enjoy sex. So, vyakti puri tarah se jis prakar sharirik upabhogon mein lag jata hai, waise hi Raja Prachini Barhi apni medha ko sahi maan karke uske piche lag gaye hai. So, this is a very allegorical story, but with lots of hopes and insights to the operations of a living entity. Prabhupada ji bahut sundar roop se kehte hain kis prakar se 20-30 ki umar mein har ek vyakti wo apni dhun mein rehta hai, lekin jaise hi 40 aane lagta hai use samajh aata hai bhai jeevan jaise ab tak guzra aage aise nahi guzarne wala hai, better get on track, sahi jagah pe lag ja. Yes. So it takes only 20 years. 20s में हम एकदम ऐसे होते हैं, 40s में हम थोड़े ऐसे हो जाते हैं, 60s-70s में वृद्धस्तावत चिंता सकतस, तब पता चलता है अरे क्या किया उसका कुछ उपयोग नहीं रहा एक्चुअली। सो इसीलिए हम जब पहले से ही भगवान को केंद्र बिंदु में रखकर जीवन जिएंगे, दैट इज हाउ मनु संहिता गर्ग संहिता ये सारे हमें रिकमेंडेशंस देते हैं कि शास्त्रों में दिए गए नियमों और का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उसके साथ साथ ही जीवन का यापन करना चाहिए। जीवन का यापन एक कर्तव्य के रूप में करना चाहिए विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट्स।
एंड दैट इज हाउ कृष्णा कैन बी हैप्पी विद अस। आप सभी का हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद भागवत की जय। उपस्थित वैष्णव वृंद की जय। नितांत गौर प्रेमानंदे।